वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो ऐसे प्रोडक्ट का कंपैरिजन जो कि दोनों के अंदर ही स्नेल म्यूशन है। और स्नेल म्यूशन अभी कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है हम सबको पता है, हर एक दूसरा तीसरा इंसान स्नेल म्यूशन यूज कर रहा है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा? सो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये डर्माकोन ने अभी न्यूली लॉन्च किया है। इसको भी मैंने काफी अच्छे से यूज कर लिया है, इसका डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये जो स्नेल म्यूशन है, ये आई थिंक मेरा फर्स्ट स्नेल म्यूशन था जो कि मैंने अपनी लाइफ में यूज किया था, एंड दिस इज माई थर्ड बॉटल। बहुत 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 मैंने यूज किया है, तो इसको तो मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता पाऊंगी और इसके साथ साथ इसका भी कंपेरिजन में कर पाऊंगी कि दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। सो यस, चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एंड यस गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ना तो मुझे कोसारेक्स ने पैसे दिए हैं, ना डर्माको ने दिए हैं। दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। मैं खुद से अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। तो दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इन दोनों के अंदर है स्नेल म्यूशन। तो बेसिकली स्नेल म्यूशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ। स्नेल जो होती है, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, स्नेल को एक डार्क व्हाइट रूम में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो स्नेल अपना म्यूकस निकालती है, उस म्यूकस को इकट्ठा करके, उसको फिल्टर करके स्नेल म्यूशन बनाया जाता है। सो बेसिकली स्नेल का जो म्यूकस होता है वो स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। मतलब वो आपके एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस, मतलब हर एक स्किन कंसर्न पे ये काम करता है। सो इसीलिए स्नेल बहुत ज्यादा हाइप हो गया है। इनफैक्ट कोरिया में तो था ही, अभी इंडिया में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये बनाया है हमारे एक इंडियन ब्रांड ने, एंड ये है कोरियन ब्यूटी ब्रांड का प्रोडक्ट। सो दोनों में ही डिफरेंस बहुत ज्यादा है पैसों का। यस, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। ये आपको 1200 या 1300 के अराउंड मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये आपको मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट, मतलब MRP इसकी 799 है, बट मैंने अमेजोन से बाय किया था तो आई थिंक 550 या 590 तक मुझे ये प्रोडक्ट मिला था। क्वांटिटी अगर बात करें तो इसके अंदर है 100 ml एंड इसके अंदर है 80 ml, तो 20 ml का डिफरेंस है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग दुगुना से भी ज्यादा मैं आपको बोलूंगी, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो अभी बात करते हैं दोनों के अंदर कितना परसेंट स्नेल म्यूशन है। सो यस, इसके अंदर भी आपको 96% स्नेल म्यूशन मिल जाएगा, एंड डर्माको वाले में भी 96% स्नेल म्यूशन है। तो जो परसेंटेज वाइज है, सेम एज इट इज है। इसके अंदर भी 96 है, इसके अंदर भी 96 है, किसी में भी ज्यादा कम नहीं है। बट जो डर्माको है, इसके अंदर आपको 2% पेप्टाइड्स एंड 2% नायासिनमाइड एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मीन्स कि पेप्टाइड्स आपके डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट करता है, डीपली लेयर को मॉइस्चराइज करता है, जिससे कि आपकी स्किन इनर ग्लोइंग दिखती है। मतलब अंदर से अगर आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, तो बाहर उसका रिफ्लेक्शन काफी अच्छा आता है। और इसके अंदर नायासिनमाइड है। नायासिनमाइड वी ऑल नो हमारे इवन स्किन टोन पे, हमारे ओपन पोर्स पे, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन पे वर्क करता है। सो 96 + 2 + 2 100% इसके अंदर इस तरह से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। एंड बात करें स्नेल, ये जो म्यूशन है कोसारेक्स वाला, इसके अंदर आपको 96% स्नेल म्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हाइलोनोरिक एसिड है, और बस एज सच इसके अंदर और कोई भी इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है। इसके अंदर आपको अलग से कोई भी इस तरह के एक्टिव्स नहीं मिलेंगे जो आपकी स्किन पे डिफरेंट एरिया पे वर्क करे। या स्नेल म्यूशन तो अपने आप में वर्क करेगा ही, बट जो नायासिनमाइड होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, वो आपकी स्किन के डिफरेंट एरिया पे भी वर्क करते हैं। सो इसके अंदर वो फील नहीं मुझे लगा। डर्माको ने ये जो कंपोजिशन निकाला है ना, अमेजिंग निकाला, मतलब दिमाग लगाया है बंदों ने यार, लिटरली। एंड ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके अंदर पैराबेन नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, डाई एंड मिनरल ऑयल फ्री है। और इसके अंदर एज सच कोई भी क्लेम नहीं है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मेंशन है कि इसके अंदर 96% स्नेल म्यूशन है। हालांकि जब ये लॉन्च नहीं हुआ, उससे पहले हम यही यूज कर रहे थे, यही अच्छा लग रहा था, बट जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, डर्माको वाले को, लिटरली मुझे इसके मुकाबले इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर पेप्टाइड्स है जो स्किन बैरियर को रिपेयर करते हैं, नायासिनमाइड भी है, स्नेल म्यूशन भी है, तो सारे तीनों मिलकर ना स्किन पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बात करते हैं इनकी कंसिस्टेंसी की। तो पहले बात करते हैं ये जो कोसारेक्स वाला है, इसकी कंसिस्टेंसी की। तो मैं आपको यहाँ पे हाथ पे लेके दिखाती हूँ। ये मैंने स्नेल म्यूशन लिया कोसारेक्स वाला, और इसके अंदर आप देखो, ये कुछ इस तरह की जेल कंसिस्टेंसी में आता है। लुक एट दिस, आपको फील हो रहा होगा। तो कितना ज्यादा ये स्टिकी फॉर्मूला है, और मतलब ऐसा कुछ ऐसा रेशे बन रहा है इसके अंदर, इतना ये ऐसा रहता है। और ये जो इतना कंसिस्टेंसी आपको ऐसी लग रही ना स्टिकी, ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्योरली 96% स्नेल म्यूशन है, कोई अदर से इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। अभी बात करते हैं डर्माको वाले की। सो इसकी भी मैंने 2 ड्रॉप ली है, और जब आप इसको इस तरह से करोगे ना, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा रेशे नहीं बनेंगे। लुक एट दिस, मतलब बहुत लाइट है, इतने ऊपर तक तो जा ही नहीं रहे, यहीं पे खत्म हो रहे हैं। ये देखो आप,
इस तरीके से। सो ये स्किन पे काफी ज्यादा लाइट लगता है और इसके अंदर नियासिनमाइड एंड पेप्टाइड्स है ना, इसकी वजह से इसका जो ये जो टेक्सचर है ना ऐसे बनके जो जा रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। सो ये बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड ये जो पर्टिकुलर एसेंस है कोसारेक्स वाला, ये थोड़ा सा ऑयली स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में अगर आप इसको लगाओगे ना तो स्किन लिटरली आपकी चिप 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 रहेगी। जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा चिपचिपा है, तो गर्मियों में जब आप यूज करोगे ना तो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा। इसीलिए मैं इसको नाइट टाइम में यूज करती थी ताकि स्टिकी भी लगे फेस, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये ऑयली स्किन के लिए सुपर्ब है, मतलब आप दिन में यूज करो, आप नॉर्थ में रह रहे हो, भरी गर्मी है, फिर भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इतना ज्यादा इसका फॉर्मूला लाइट है और बहुत जल्दी से स्किन के अंदर सॉक इन होता है और फील भी नहीं होता कि यस आपने कुछ हैवी लगाया है अपनी स्किन पे, इतना ज्यादा लाइट इसका फॉर्मूला है। और बाकी 96% स्नेल म्यूशन है, तो स्नेल म्यूशन का जो काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना, मॉइस्चराइज रखना, पिगमेंटेशन, एक्ने, स्कार्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सब पे वर्क करना, तो वो तो ये करेगा ही इसकी जेक से। बट दोनों के प्राइस के अकॉर्डिंग, दोनों का जो फॉर्मूला है, जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं और इसका जो टेक्सचर है काफी ज्यादा लाइट है, काफी ज्यादा नॉन ग्रीसी है, ऑयल फ्री है, उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड दिस इज आर इंडियन ब्रांड यार, मतलब इसको प्रमोट करना ही चाहिए, क्यों हम कोरियन वाले बाय करें और इतना महंगा बाय करें और अपनी स्किन पे लगाएं। बेटर है कि जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है जो ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं कि क्या डाला है क्या नहीं डाला है, पूरी प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन करके आपको भेज रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट में लिख के बता दीजिए, बट एक बार इसको जरूर से ट्राई आउट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने स्नेल म्यूशन महंगा है बोल के नहीं ट्राई किया है तो आई मस्ट से कि ये अभी थोड़ा सा सस्ता इंडियन ब्रांड का स्नेल म्यूशन आपको मिल गया है। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।